नो प्रॉब्लम. स्वाति, इसमें क्या यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन विच क्वेश्चन? सर इन 3.1 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? सर 3.1 क्वेश्चन नंबर 4. हां दिस इज 3.1 ना, एक्सरसाइज 3.1 राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्सरसाइज. हां सो what is the problem that you are finding it in this part? क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? Yes sir. Okay. तो गाइज एवरीवन, वैसे तो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ था, बट एक बार फिर से हम देखते हैं. व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अगर देखते हैं तो उसका सम क्या होगा. तो एक बार क्या आप लोग बता सकते हो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वैसे कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्या होता है. What is convex quadrilateral? Anyone? What is the convex quadrilateral? Yes, Kanishka, please say. A polygon in which its angle is less than 180 degree is called a convex polygon. Okay, each angle is less than 180. Very good. Anything related to diagonals, Samir? डायगनल से रिलेटेड कुछ आंसर है क्या? नो पार्ट ऑफ द डायगनल शुड बी आउटसाइड द पॉलीगन. वेरी गुड. तो कन्वेक्स फॉर्म दो में से कोई भी एक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं. एक ये कह सकते हैं कि उसका कोई भी इंटरनल एंगल मोर देन 180, सारे इंटरनल एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं, या फिर डायगनल के रेस्पेक्ट में बोलना चाहते हैं तो वी कैन से दैट नो पार्ट ऑफ द डायगनल विल लाई आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, राइट? सो नाउ ग्रेट यार, ग्रेट. Good responses, thank you. So next, अगर बात करें तो sum of all the internal angles of a quadrilateral. Sum of all the internal angles of a quadrilateral. Now, can you tell me what is the formula of this? We have discussed it in the last class, right? What is the formula? N by N equal to 180. Okay. Swati, एक बार फिर से बोलो, आवाज ब्रेक हो गई थी. So N minus 2 equal to 180 degree. No. Is equal to 180 degree नहीं होगा. Anyone else? Sameer, no. आपने एक बार answer कर दिया है. Ali. X minus 2 into 180. हाँ. X minus 2 into 180 degree, right? अब इसमें x क्या होता था? Where x is nothing but the number of sides. Number of sides of the quadrilateral, right? Or it's not quadrilateral actually, sorry. I'm talking about the formula of a polygon, okay? Quadrilateral is a special case of polygon where the number of sides are equal to 4. So, अब जैसे कि ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ट्रायंगल के केस में क्या हो जाता है कि एक ट्रायंगल के लिए जो हमारा x का वैल्यू है वो x का वैल्यू होता है 3. x का वैल्यू 3 हो जाएगा तो उस हिसाब से सम क्या हो जाएगा? तो सम हो जाता है, यहाँ पे फॉर्मूला में x की जगह पे 3 पुट कर दो तो 3 माइनस 2 इंटू 180 तो वो बन जाता है 180 डिग्री. और आपको भी पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हम लोग 180 डिग्री लेते हैं, राइट? इसी फॉर्मूला से आता है. क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में x का वैल्यू हम रखेंगे 4. अब यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला में जब आप x का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 माइनस 2 इंटू 180 हो जाएगा, तो 180 इंटू 2 हमारा बन गया 360 डिग्री एंड सो ऑन. ठीक है, अब जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के केस में फॉर्मूला क्या होगा. एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के केस में ये वैल्यू कितनी होगी? तो गाइज when I gave the formula, I did not give you a condition. I simply said
कि क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होता है, चारों साइड तो x का वैल्यू 4 रखने पे हमें आंसर आ जाएगा। तो कन्वेक्स के लिए भी ये सम जो होगा वो 360 होगा, ठीक है। और कनकेव के लिए भी, मतलब मान लो कन्वेक्स का उल्टा क्या है, इसका उल्टा तो कनकेव है ना, तो इवन फॉर अ कनकेव क्वाड्रिलेटरल द आंसर विल बी 360 डिग्री। ओके, सो दिस फॉर्मूला विल रिमेन वैलिड whether the given polygon is convex or concave. Convex or concave का कोई लेना देना नहीं है। अगर quadrilateral है तो उसके चार साइड होंगे, चार साइड होंगे तो फॉर्मूला में 4 minus 2 into 180 ही करेंगे। ओके, ठीक है ना। यस अनिशा, आपने आंसर सही लिखा था, अली ने भी सही लिखा था। ओके, सो Swati, is it clear now? The answer is, it will be 360 for both the cases. Okay? Concave, convex से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, next. Next, मुझे आर्या ने question पूछा था, 3.2 का question number 6. अंशुल, आपका 7B क्या है? मेरे को यहाँ पे बताओ. 7B यहाँ पे कह रहे हो? This part. ये वाला कह रहे हो क्या? यस सर। ओके सर, 7A और B, 7A और B दोनों, ठीक है। यस सर। नाउ टू सेव आवर टाइम व्हाट आई विल डू इज, Now listen, tell me Anshul, यहाँ पे इसको देखो, इसको, इस पार्ट को देखो। अब बताओ 90 प्लस x कितना होगा? 90 प्लस x कितना होगा? 90x. 90 प्लस x 90x हो जाएगा, वाह। तो इसका मतलब 4 प्लस 5 45 हो जाना चाहिए। Guys, यहाँ पे if you look at it properly, 90 डिग्री एंड x डिग्री बोथ आर लाइंग ऑन द सेम, मतलब कहने के लिए ये लीनियर पेयर नहीं बनाएगा क्या? व्हाट इज लीनियर पेयर? समीर, मैं पूछूंगा आपसे। एग्जैक्टली, तो लीनियर पेयर में क्या होता है कि सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में क्या है, 90 डिग्री एंड x। देखो क्या होता है लीनियर पेयर में, आप लोगों को एक बार यहां पे समझा देता हूं। See, let's say I take a straight line, okay, and this is intersected by another line at this point, and let's say I name the point as A. So this point is A, बाकियों को नाम कर देता हूं B, C, and D, okay. Now, if I talk about this angle and this angle, so angle BAD and angle DAC, okay? So angle BAD and angle DAC are on the same, are on the same straight line BAC, ठीक है, they are on the same straight line BAC, and if they are on the same straight line BAC, फिर एक छोटा सा रूल होता है। रूल क्या होता है? Yes, Akshat, you want to say something? No, sir, by mistake. Okay, so the rule says that if I have a, if the angles are lying on the same straight line, then we say that they form a linear pair. Then we say that they form a linear pair. ठीक है? इसके अलावा एक और चीज अगर आप देखोगे ऐसे logically, हाँ, बिना कोई rule theorem का,
तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि बताइए यहां पे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या कितना? 180 डिग्री रहेगा, राइट? 180 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट एंगल. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180. इस साइड भी 180, उल्टा साइड भी 180, तो टोटल 360 बनता है, राइट? तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक अगर 180 है, तो जो ये दोनों एंगल बने, एंगल BAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम ही तो 180 होना चाहिए ना, इन दोनों का सम ही 180 होना चाहिए. सो नाउ आई कैन से दैट एंगल BAD प्लस एंगल DAC, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल DAC शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो दिस इज ऑलवेज ट्रू जब आपको एक लीनियर पेयर मिलता है, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू जब आपको एक लीनियर पेयर मिलता है. ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड एवरीवन, इफ दिस रूल इज क्लियर, देन जो क्वेश्चन पूछा था इस बुक वाला वो इजी हो जाता है. कैसे इजी हो जाता है, देखो अब यहां पे 90 प्लस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो यहां से आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 90 डिग्री. सिमिलरली यहां देखो, इस केस में z प्लस 30 कितना हो जाएगा, z प्लस 30 ये हो जाएगा 180, राइट? तो यहां से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली 150. एंड लास्टली y, अब देखो y के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं अभी फिलहाल, बट मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? समीर बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे? By angle sum property. By angle sum property, right? अगर मैं angles को ही देखूं, so this angle is already given to me 90 degree, this angle is already given to me 30 degree, तो इन दोनों का sum हो गया 120 degree. अब ये वाला यहाँ पे जो angle होगा, इस angle का, इस angle का और इस angle का, इन तीनों का sum 180 होगा. 180 में से 120 यहाँ पे चला गया, तो this angle will be 60 degree, right? And if this will be 60 degree, तो y वाले के साथ तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ना, तो 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां से मेरा y का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज डन, राइट? क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आ गया, इजी था क्वेश्चन? यस सर. Yes, Anish, we can use that as well, but since I have not discussed it yet, ये इसके बाद आएगा ना, इसलिए मैंने अभी तक नहीं पूछा, बताया, ठीक है? Next, यहाँ पे देखो, second question में भी same scenario है, यहाँ पे linear pair form कर रहा है, तो z plus 60 is equal to 180, तो यहाँ से मेरा z का value 120 आ जाएगा. देखो यहाँ पे 80 plus y linear pair form कर रहा है, तो 80 प्लस वाई हमारा 180 हो जाएगा, और यहां से y का वैल्यू हमको 100 डिग्री मिल जाएगा. यहां पे देखो 120 प्लस x अगेन लीनियर पर फॉर्म कर रहा है, तो यहां से 60 डिग्री आ जाएगा. एंड अगेन ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको इंटरनल एंगल निकालना पड़ेगा, सिंस नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ, देखो ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री, जिसमें से कि 260 यहां निकल गया, तो ये एंगल कितना होगा उस केस में, this will be 100 degree, ठीक है? 360 minus 260. अब ये 100 हो गया, तो W हो जाएगा हमारा 80 degree, because इन दोनों का sum हमारा 180 होगा, ठीक है? So जिसने ये question पूछा था, is it okay now? जिसने भी ये question पूछा था, क्या अब clear है? Yes sir, clear है. ठीक है? चलिए. तो ये बहुत easy था question number 7. अब आगे कहां पे डाउट है एक बार बता दो, किसी को और कहीं पे प्रॉब्लम है क्या? 6 का 60. 6 का
सिक्स का सी में प्रॉब्लम है। सर सिक्स का बी और डी एक ही जैसे क्वेश्चन है, सेवेंथ वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर मैं बात करूं सिक्स का बी, तो आप देखो ना ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा ना। मान लो कि ये एक्स था और ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, तो आप लीनियर पे लगाते कि नहीं, लीनियर पे लगा के आप बोलते कि 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू भी कितना, सॉरी x तो ऊपर है ना, तो हम इसको कुछ दूसरा नाम दे देंगे, हम इसको कुछ दूसरा नाम दे देंगे, we will give it as y, तो 90 plus y is equal to 180, सॉल्व करोगे तो यहाँ से y भी 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल हमको मिल गया, ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है, एंड दिस एंगल, ये चारों का सम कितना होना चाहिए, चारों का सम होना चाहिए 360 डिग्री, क्यों, बिकॉज दीज आर द फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो वहां से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर आप एक्स का वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, ओके क्लियर है, जिसने पूछा है सिक्स का बी, इज इट ओके नाउ, गिव मी कंफर्मेशन, यस सर, ठीक है। नाउ सिक्स का सी, अब देखो सिक्स का सी में ये एंगल कितना होगा, 120, बिकॉज यहाँ पे 60 है और दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो दिस विल बी 120, राइट। यहाँ पे जो एंगल है, लेट मी चेंज द कलर फॉर द टाइम बीइंग, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका सम कितना होगा, 110, बिकॉज दोनों का सम 180, वो 70 है, तो ये 110 हो जाएगा, राइट। नाउ इफ आई नेम द फिगर, इफ आई नेम दिस फिगर एज ए बी सी डी, यहां पे डी नाम दे देता हूं, एंड ई, तो दिस इज अ फाइव साइडेड फिगर ना, एंड इन अ फाइव साइडेड फिगर इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, दैट विल बी 5 माइनस 2, ठीक है, सो 5 माइनस 2 इंटू 180, राइट। इससे हमको क्या मिल गया, ये फाइव साइडेड फिगर का इंटरनल एंगल विच इज 540, ठीक है। बट वट इज दिस 540, दिस 540 विल बी द सम ऑफ विच एंगल्स, इट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दिस 30 डिग्री, दिस x, दिस x, दिस 120 डिग्री एंड दिस 110 डिग्री, तो 110 प्लस 120 230 हो गया, 230 प्लस 30 260 हो गया, तो माई इक्वेशन वुड बी 540 इज इक्वल टू 260 प्लस 2x, 260 को यहां भेज दो तो वो हो जाएगा आपका 280 इज इक्वल टू 2x, एंड यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 140 डिग्रीज, x का वैल्यू मिल जाएगा 140 डिग्रीज, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। सिंपल सा देखो, फिगर नंबर ए में चार साइडेड पॉलीगन था, फिगर नंबर बी सेकंड फिगर में भी फोर साइडेड पॉलीगन है, फिगर नंबर सी में फाइव साइडेड पॉलीगन है, एंड फिगर नंबर डी, डी में देखोगे तो 1 2 3 4 5, इट्स अ फाइव साइडेड फिगर। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल ना, then it becomes a regular polygon, it becomes a regular polygon, and here all the angles will also be equal, all the angles will also be equal, so pehle aap five sided figure hai to iska sum kitna ho jayega, jitna yahan pe aaya tha, kitna aaya tha 540 na, to yahan pe bhi aap karoge to 5 minus 2 into 180 hoga, jo ki aapko mil jayega 540 degree, theek hai 540 degree। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स जो होगा ना, देखो अगर यहां पे एक्स आया है तो यहां पे भी एक्स होगा, यहां पे भी एक्स होगा, यहां पे भी एक्स होगा, एंड यहां पे भी एक्स होगा,
हर जगह x होगा, ठीक है? सर वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 108। या एग्जैक्टली, तो ये सारे वैल्यूज ही x होंगे, तो सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सम विल बी इक्वल टू 5x, ठीक है? सम विल बी इक्वल टू 5x एंड दिस 5x विल बी इक्वल टू 540। नाउ इफ 5x इज इक्वल टू 540, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 540 by 5, which will give you 108. Okay? तो जिसने पूछा था लास्ट वाला क्वेश्चन, इज इट ओके, क्लियर है? वैसे इसके जैसे क्वेश्चन और भी हम करेंगे, ठीक है, और भी करेंगे. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये था डी वाले में, सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल सो ऑल द एंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल. ओके, ठीक है. ठीक है, सो जिसने भी पूछा था, इज इट ओके नाउ, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, ओके देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज सेइंग एग्जामिन द टेबल which is saying examine the table. अब देखो गाइज, वो जो फॉर्मूला होता है ना, कौन सा फॉर्मूला, दिस 180 into n minus 2, okay? 180 into n minus 2. ये फॉर्मूला का कहीं ना कहीं जो लॉजिक था या जो आइडिया था ना, वो इससे आया था कि when I have a triangle, so in a triangle the sum of the angles is 180 degree. When I have a quadrilateral is a four-sided figure, right? A quadrilateral is a four-sided figure. जैसे कि यहाँ पे ये अगर हम मैं कोई भी एक quadrilateral draw करता हूँ इस type का, ठीक है? कोई भी एक quadrilateral draw करता हूँ और उसके बाद मैं इसका diagonal join कर देता हूँ. तो जब आप इसका diagonal join करते हो ना, एक diagonal, तो उससे क्या होता है कि उससे आपको ट्रायंगल्स मिल जाते हैं, राइट? दिस इज माय ट्रायंगल वन, दिस इज माय ट्रायंगल वन एंड दिस इज माय ट्रायंगल टू. तो सिंस द एंटायर क्वाड्रिलेटरल इज नाउ ब्रोकन इनटू टू ट्रायंगल्स, तो यहां पे अगर हम सम ऑफ एंगल्स की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए 180 होगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी 180 हो जाएगा, और दोनों का सम फिर 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, राइट? दोनों का सम फिर 360 डिग्री हो जाएगा. इसीलिए इस फॉर्मूला में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चार साइड था, चार में से दो कम किया तो 2 into 180 बना. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट अ पेंटागन, पेंटागन में जब हम दो डायगोनल्स ज्वाइन करते हैं सो इट ब्रेक्स इनटू थ्री ट्रायंगल्स, तीन ट्रायंगल मतलब 3 into 180. अब ये 3 कैसे आया, तो अगेन लॉजिक लगाएंगे तो 5 minus 2, नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2. दिस इज अ हेक्सागन, इन अ हेक्सागन यू कैन सी वी हैव हाउ मेनी ट्रायंगल्स, वी हैव 4 ट्रायंगल्स विद अस, सो इफ वी हैव 4 ट्रायंगल्स द सम ऑफ इंटरनल एंगल शुड बी 4 into 180, बट ये 4 कहां से आया, तो ये 4 आया 6 minus 2 से. तो दिस इज सिंपली टॉकिंग अबाउट द सेम फॉर्मूला विच आई गेव यू, विच फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला दे आर आस्किंग यू अ क्वेश्चन, what can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7, 8, 10, n. to ye puch raha hai ki agar number of sides 7 hai to angle sum property kya hoga, sum agar 8, number of sides agar 8 hai to kya hoga. jaise 7 ke case mein kya karoge, 7 ke case mein likhoge 180 into 7 minus 2 na. 8 ke case mein kya karoge, 8 ke case mein aap likhoge, 8 के केस में क्या लिखोगे, 180 into 8 minus 2 ना. 10 के केस में क्या करोगे, तो 10 के केस में रहेगा it will be 180 into 10 minus 2 and similarly n के केस में तो formula already लिखा हुआ है, ठीक है?
आया समझ में कर्तव्य? वो जो फॉर्मूला बताया था ना, वो फॉर्मूला का लॉजिक है बस ये। समीर इज इट ओके? एवरीवन गिव मी अ कंफर्मेशन गाइस, इज इट ओके? कर्तव्य ठीक है? आपका yes, डाउट था इसमें? ओके ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा जो ये एक्सरसाइज वन है ये खत्म हो गया। आई होप आप सबने अच्छे से एक्सरसाइज वन को कर लिया होगा। फिर मैंने आप लोगों को ये रीड करने दिया था, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। क्या सबने पढ़ा इसको? समीर क्या पता चला इसमें से, बताओ एक बार। Every polygon having exterior angle all are equal to 360 degree. All are equal to 360 या फिर सारे exterior angles का sum 360 होगा? Yes sir. ठीक है, great, thank you यार. So यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि आप जैसे कि कोई भी एक हम quadrilateral लेते हैं, ठीक है, पॉलीगन लेते हैं। तो मान लो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, देन आई एम टेकिंग अ स्क्वायर और अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेट्स से आल्सो आई एम टेकिंग अ फाइव साइडेड फिगर और इवन लेट्स से अ सिक्स साइडेड फिगर, ठीक है। नाउ इन ऑल दिस केसेस ना व्हाट इज द सिनेरियो? देखो एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे, सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल बनता है जब तो एज आई वाज सेइंग एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे, ओके कैसे बनता है एक्सटीरियर एंगल? तो एक्सटीरियर एंगल बनने के लिए ना जो भी हम पॉलीगन को डील कर रहे हैं, मान लो कि आई नेम इट एज ए बी सी, आई नेम इट एज ए बी सी। नाउ जब मैं यहां पे इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो मैंने इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट विद अ, तो ये मैंने फिलहाल इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इसको एक्सटेंड करने के बाद मान लो यहां पे पॉइंट दे दिया डी, ठीक है। अब मैंने हमारा ट्रायंगल था एबीसी, फिर क्या किया, सीए इज एक्सटेंडेड, टू डी। तो CA को मैंने D तक एक्सटेंड किया। अब D तक जब एक्सटेंड किया ना गाइस, तो अब हमारे पास ना ये एक एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना है, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया मेरा इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल A, ठीक है। क्या किया फिर से बता रहा हूं, एबीसी ट्रायंगल था तो एबीसी ट्रायंगल के साइड्स कौन से थे, एसी बीसी एंड एबी, दीज वेर माय साइड्स। देन दिस वन ऑफ द साइड, मान लो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर आप मेरे से पूछते हो कि सर ए पे एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, इंटीरियर एंगल तो हमको पता है, ए पे इंटीरियर एंगल कौन सा है, दिस इज माई इंटीरियर एंगल, ठीक है, दिस इज माई इंटीरियर एंगल ए। अब एक्सटीरियर एंगल के केस में साइड एक्सटेंड होता है, तो एन एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड, बाय एंड एक्सटेंडेड साइड, एंड ओरिजिनल साइड, ऐसा क्यों है गाइस? बिकॉज
एक एंगल बनाने के लिए आपको दो लाइन सेगमेंट चाहिए, दो लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कराना होता है। तो एक लाइन सेगमेंट हमने बनाया जो हमारा एक्सटेंडेड था और दूसरा जो हमारा ओरिजिनल था। तो यहाँ पे मेरा ये ओरिजिनल की तरह काम करेगा और ये हमारा एक्सटेंडेड वाला हो गया, तो दिस बिकम्स माय एक्सटीरियर एंगल है। ओके अच्छा, किसी ने हैंड रेस किया था, बताओ क्या पूछना है। किसी ने हैंड रेस किया था? एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स, आर यू नाउ क्लियर विद द लॉजिक ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि हाउ एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म्ड? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस, टेल मी। यस सर। आइडिया पता चला ना कि हम एक साइड को एक्सटेंड करेंगे और उसको एक्सटेंड करके ओरिजिनल साइड के साथ एंगल बनाएंगे, ठीक है? तो चलो ग्रेट है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अब मान लो कि मैं यहां पे इस पॉइंट पे बनाना चाहता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसको एक्सटेंड करने के बाद ये वाला जो एंगल होगा इस केस में, दिस विल बी माई एक्सटीरियर एंगल, दिस विल बी माई एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा अब एक जिसे एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? तो इसका आंसर होगा एवरी वर्टेक्स विल हैव वन एक्सटीरियर एंगल, एवरी वर्टेक्स विल हैव वन एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास ए पे भी आएगा, हमारे पास बी पे भी आएगा और हमारे पास सी पे भी आएगा। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो यहां पे देखो, ऐसा भी हो सकता था कि मैंने मान लो ऐसे एक्सटेंड किया, ऐसे एक्सटेंड करके मैं इस एंगल को बोल दिया एक्सटीरियर एंगल एट दिस वर्टेक्स। सिमिलरली यहां पे भी बन जाता और यहां पे भी बन जाता। सो देयर आर फोर एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली इन दिस केस हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स विल बी देयर? सो सिंस 1 2 3 4 5 6, सो दिस विल हैव 6 एक्सटीरियर एंगल्स। ओके दिस विल हैव 6 एक्सटीरियर एंगल्स, राइट? नाउ इफ दिस हैज 6 एक्सटीरियर एंगल्स, अब वही एंगल्स का ना एक प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी को अभी हम देखेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। सो नाउ द प्रॉपर्टी इज, इट सेज दैट सम ऑफ ऑल द exterior, sum of all the exterior angles of a polygon, sum of all the exterior angles of a polygon is equal to 360 degrees. So this is the formula. It means अगर मैं बात करूं figure 1 का, वो triangle वाला था, तो यहां मैं बोलूंगा एक्सटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके आ रही है बात समझ में? क्योंकि एक ट्रायंगल में तीन साइड होता है तो तीन एक्सटीरियर एंगल बनेगा। मानो अगर ट्रायंगल था एबीसी, तो ए पे एक्सटीरियर एंगल ए बनेगा, बी पे एक्सटीरियर एंगल बी बनेगा, सी पे एक्सटीरियर एंगल सी बनेगा, राइट? तो उन तीनों का सम कितना हो जाएगा? तो उस तीनों का सम हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। तो आई होप एवरीवन गॉट अ वेरी गुड आइडिया अबाउट व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल बी कॉन्स्टेंट, मतलब ये चार साइडेड फिगर है ना यहाँ पे इस केस में, तो इसकी बात करूं अगर मैं, ठीक है, इसकी अगर बात करें, सो एक्सटीरियर मान लो इफ आई नेम इट एज एबीसीडी, ए बी सी डी, सो एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल बी प्लस एक्सटीरियर एंगल सी प्लस एक्सटीरियर एंगल डी. ठीक है, तो द सम ऑफ ऑल दीज फोर वैल्यूज विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. यस समीर, यू हैव रेज्ड योर हैंड, एनी क्वेरी? कैन वी से one exterior angle is equal to opposite to interior angle. I'll come to that part as well. Okay, but that is only applicable for a triangle actually. That is only applicable for a triangle. Okay, वो हम लोग actually class 9th में पढ़ाते हैं. 9th में NCERT का part है वो. But उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप सबको ये समझ में आया एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, और एक ट्रायंगल के केस में 360 डिग्री का किस किस का सम होगा, एक क्वाड्रिलेटरल के केस में 360 किस किस का सम होगा. तो प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन एवरीवन कि हैव यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक प्रॉपर्ली. कहीं पे कोई डाउट है, कुछ जगह पे समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी. ठीक है, बाकी लोग अंशुल, आलोक, आदित्य, आशुतोष, आर्या, ठीक है ना? चलो ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज यार, थैंक यू. सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट. में देखो गाइस, यही यहां पे लिखा हुआ था, सम ऑफ द मेजर्स Sum of the measures of the exterior angles of a polygon. यही यहाँ पे लिखा हुआ था. तो ये सब यहाँ पे इन्होंने अपना experiment किया and finally यहाँ पे लिखा the sum of the measures of the exterior angles of a polygon is 360 degree. Okay? जैसे कि इस example में देखो, चारों जो angle है वो exterior angle है, तो चारों का sum बना के 180 होना चाहिए. अब यहाँ 90, यहाँ 50, 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 110 250, तो ये तीन एक्सटीरियर एंगल का सम 250 बन गया. चारों का सम कितना होता? 360 होता. तो ये x क्या होगा? 360 में से 250 माइनस करना है, और इसीलिए देखो यहाँ पे x का वैल्यू 110 आया था. राइट, आई होप आप सबने ये एग्जांपल तो देख ही लिया होगा. तो आगे बढ़ते हैं नाउ. अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ रेगुलर पॉलीगन, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ रेगुलर पॉलीगन. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? Yes, Kanishka, please tell me. A polygon having all sides and angles are equal. Exactly. Very good. Thank you. Yes, Samir, आपका वो logic सही है. So regular polygon हो गया, where two things. First of all sides are equal. And number two, all angles are equal, right? ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था. अब देखो, all sides are equal, all angles are equal. इसका फायदा क्या होता है एक रेगुलर पॉलीगन में? इसका मतलब है, if I take a triangle which is a regular triangle. तो एक रेगुलर ट्रायंगल को हम क्या नाम देते हैं, बताओ? एनीवन? इक्विलेटरल ट्रायंगल. हाँ, वेरी गुड, वी कॉल इट एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इन केस ऑफ अ फोर साइडेड फिगर, व्हाट डू वी कॉल अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? स्क्वायर. स्क्वायर, राइट? वी कॉल इट अ स्क्वायर. तो दिस, ऑल दीज आर एग्जांपल्स. लाइक दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल.
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल इट्स अ रेगुलर पॉलीगन, तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें ये तीनों साइड इक्वल होंगे और ये तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एक स्क्वायर में क्या होगा, इसके चारों साइड इक्वल होंगे और इसके चारों एंगल्स भी इक्वल होंगे, दिस इज अ स्क्वायर। नाउ इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट अ ट्रायंगल, तो आई नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन दिस केस इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो व्हाट इज दिस, दिस इज सम, एंड व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हियर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल हियर, 60 डिग्री. 60 degree. How do you know that this is 60 degree? Can you tell me? 3x equal to 180. Very good. तो ये x मान सकता था, ये x मान सकता था, ये x मान सकता था. तो तीनों का सम 3x हो गया. 3x is equal to 180. From there we get the value of x as 60 degree, right? अच्छा, चलो. Very good. Now let's talk about a square. This is a square. What will be the sum of interior angles of a square here? 90 degree. Wow, wrong. 90 degree. Sum of all the angles. 360. Sum of all the angles will be 360 degree, right? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम formula लगाएंगे, उस formula में n का value 4 रखेंगे, तो 4 - 2 × 180 हो जाएगा. And tell me what is the value of each interior angle here? 90 degree. 90 degree, right? अब ये कैसे आया बता सकते हो? 4x equal to 360. Exactly. अब यहाँ पे x के जगह पे ऐसा करते हैं, y लिख लेते हैं, y, y, y and y. तो 4y is equal to 360, right? From there y comes out to be our 90 degree. Now the important thing is, I can say here that थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, कि इन केस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल, राइट? है कि नहीं? आप लोगों ने कितना इजीली बता दिया कि सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सम होगा 60 डिग्री, एक स्क्वायर में सम होगा, एक स्क्वायर का इंटीरियर एंगल का वैल्यू होगा 90 डिग्री. इट वॉज वेरी इजी फॉर अस. व्हाई वाज इट इजी? उसका एक सिंपल सा लॉजिक था जो आप लोगों ने बताया कि सर ट्रायंगल के केस में तीनों को एक्स माना, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, वहां से एक्स का वैल्यू 60 आ गया. यहाँ पे स्क्वायर के केस में चारों को वाई 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 माना क्योंकि चारों एंगल इक्वल थे, 4y इज इक्वल टू 360 किया, वाई का वैल्यू वहां से 90 आ गया. तो आई कैन वेरी वेल से दैट फॉर अ रेगुलर पॉलीगन each interior angle is equal to nothing but sum divided by n. And what is the formula of sum? So the formula is 180 into n minus 2 divided by n, right? So somehow I can say that when you got 60 degree for an equilateral triangle, you actually put the value of n as 3 here. आप अगर n का value यहाँ पे 3 रख देते हो, तो ऊपर क्या होगा? ऊपर होगा 180 into 3 minus 2. तो ऊपर तो 180 बन गया, नीचे 3 बन गया. And 180 by 3 से हमको 60 मिल गया. In case of a square, आप यहाँ पे n का value 4 रखोगे. 4 रखा, तो 180 into 4 minus 2. Now 4 minus 2 is 2. So 180 into 2 हो गया 360. तो हमारा numerator में 360 है, denominator में 4 है. So 360 by 4 becomes 90 degree, right? So please just note this down because it was very easy for us. ये कहीं कहीं पे use होता है actually. बहुत जगह पे इसका use आता है. Okay? So for a regular polygon, each interior angle is equal to sum divided by n. Sum किसका? तो sum of, ऐसे लिख देता हूं, sum of all interior angles divided by n. ठीक है, उसी तरीके से
हम ये भी देख सकते हैं कि what will be the formula for each exterior angle. अब अगर सारा इंटीरियर एंगल बराबर है तो सारा एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होना चाहिए. तो अब इसमें फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय एन. अब एक्सटीरियर एंगल्स हमारा कितना होता है सम, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, चाहे तीन साइड का फिगर हो, चाहे फोर साइड का फिगर हो, या चाहे टेन साइड का फिगर हो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360. तो ये हमारा वैल्यू आ गया 360/n. ये हम यूज करेंगे जब एक रेगुलर पॉलीगन में हमको एक्सटीरियर एंगल का पूछा गया. ये हम यूज करेंगे जब हमको एक रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का वैल्यू पूछा हुआ है. तो उस केस में हम यहां पे n का वैल्यू पुट करेंगे और इस केस में यहां हम n का वैल्यू पुट करेंगे. बोलो लॉजिक समझ में आया, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या है? बिकॉज ओलंपियाड्स में ना इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बहुत बार देखा हुआ है. तो दिस शुड बी वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर इन योर माइंड. दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड. इज इट ओके नाउ गाइस? यस सर. ठीक है, कोई किसी को दिक्कत है तो फटाफट बता दो यार, कहीं पे दिक्कत है या कोई पार्ट नहीं समझ में आया फटाफट बता दो. कोई दिक्कत नहीं है? ओके ग्रेट. चलो, नेम ऑफ 11 साइडेड फिगर. आई डोंट रिमेम्बर. नेक्स्ट, सो After going through these concepts, now we can quickly answer the questions of exercise 3.2. Okay, now in case of 3.2, अगर मैं बात करूं इसका कि 3.2 में बताओ कहां कहां पे दिक्कत है. अच्छा, one का b. Okay, 3.2 का question number 2 and 3. अनिश देखो, अब question number 2 तो ऐसे ही solve कर लेंगे हम लोग. ओके नाउ देखो, वन का जो बी है, सारे के सारे एंगल्स जो है कहीं ना कहीं एक्सटीरियर एंगल जैसा काम कर रहे हैं. यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ एक्स है, और ये वाला एक्सटीरियर एंगल में कितना वैल्यू होगा? ये वाला एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा बताओ? दिस विल ऑल्सो बी 19 है. तो अब ये सारे के सारे तो एक्सटीरियर एंगल है, और अगर ये सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल है तो इनका सम कितना होना चाहिए? अभी देखा ना, व्हाट इज द 360 डिग्री. 360 डिग्री ना आशुतोष, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360. सो इन दिस केस आई कैन से कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये पांच एक्सटीरियर एंगल का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 360. अब एक बार बाकी को ऐड कर लो तो 90 + 90 तो 180 हो गया. 180 प्लस यहाँ पे 60, 240 हो गया. 240 और यहाँ पे 70, 310 हो गया. तो अगर 310 हो गया तो ये x का वैल्यू हम अब इजिली कह सकते हैं कि दिस विल बी 360 - 310 - 50, विच विल गिव यू 50 डिग्री. ओके, डिग्री क्लियर है ना? देखो कितना इजिली अब सॉल्व हो गया, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो. राइट, because now we can yes, actually sir. solve the question without pen and paper. अब देखो question number 2 की बात करते हैं. अब question number 2 के लिए मैं एक बार वापस से वहां जाता हूं जो मैंने लिखवाया था. क्या क्या चीजें मैंने लिखवाया यहाँ पे? मैंने लिखवाया है कि एक रेगुलर पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू है 180 × (n-2)/n, जो कि अभी क्वेश्चन में नहीं जरूरत पड़ रहा. लेकिन ये देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? Each exterior angle is 360/n, right? Now 360/n को याद रखो. And let's go to question number 2 of exercise 3.2. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका, क्या पूछा question number 2 ने? देखो,
फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, वहां भी क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल था ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. मैंने भी जो फॉर्मूला निकाला है वो रेगुलर पॉलीगन के लिए निकाला है. अब यहाँ पे साइड्स कितना दिया है, तो साइड्स दिया है 9. व्हाट वाज द फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला, अभी याद रखने बोला था ना, क्या फॉर्मूला है बताओ. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय साइड. हाँ, तो टेल मी द शॉर्ट फॉर्मूला, 360 बाय एन, राइट? यस और नो आशुतोष, द फॉर्मूला वाज 360 बाय एन और नो? यस और नो आशुतोष, फॉर्मूला क्या था, फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये देखो फॉर्मूला दिख रहा है यहां पे, 360 बाई एन. व्हाट इज 360 बाई एन? दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. अब देखो इसके हेल्प से वो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाता है. अब यहां पे साइड्स कितना दिया है, 9. साइड अगर 9 दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 360 बाई 9 लिखेंगे ना. 360 बाई 9 कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया. यहाँ पे 15 साइड्स दिया है तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, 360 बाई 15 लिखेंगे. ये कितना हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा. तो इस केस में जब 9 साइड्स था तो हर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 40 डिग्री हो गया. जब इस केस में 15 साइड्स था तो सारे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 24 डिग्री हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रीड क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या था जानते हो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में अगर 15 साइड है तो हर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वो कहता है एक रेगुलर पॉलीगन में अगर एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 24 डिग्री है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा. तो दोनों में फॉर्मूला तो वही लगेगा क्योंकि दोनों रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल का बात कर रहे हैं, राइट? तो अगर हम उसी को देखें, क्वेश्चन नंबर 3, विल गो टू नेक्स्ट पेज. सो हियर इन फॉर क्वेश्चन नंबर 3, आई नो दैट ईच exterior, each exterior angle is equal to 360 by n. According to question, each exterior angle is already given to us. This value is already given to us as 24 degrees. तो ये वाला formula में अगर हम इसके जगह पे 24 डिग्री पुट कर देते हैं तो ये हमारा 24 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एन हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन का वैल्यू 360 डिग्री बाय 24 डिग्री हो जाएगा. अब आप इसको डिवाइड कर लेना तो ये आएगा 125. तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15. बोलो समझ में आया. वेरी गुड सर. यस सर. ओके, तो इसी के साथ हमारा देखो वो फॉर्मूला से कितना हेल्प हो गया, उस फॉर्मूले के कारण क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, राइट? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है How many sides does a regular polygon? फिर से regular polygon का बात कर रहा है. If each of its interior angles is 165, पहले क्या था? यहाँ पे each exterior angle था. यहाँ पे क्या था? Exterior angle था. लेकिन यहाँ पे क्या है? अब बोला है कि interior angle 165 है. तो मैंने ये भी आप लोगों को बताया हुआ है. कहाँ पे बताया है? Again चलते हैं. ये देखो, formula देख रहे हो यहाँ पे? For a regular polygon,
each interior angle is equal to, it is equal to this 180 into n minus 2 by n. ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है each interior angle के लिए. ठीक है, तो now we are going to use this. We will use this. Because उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? Let's go to the question once again. तो यहां पे बोला हुआ था कि इंटीरियर एंगल का वैल्यू 165 है, राइट? इंटीरियर एंगल का वैल्यू 165 है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला था मेरा 180 इनटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 165. फिर क्या करेंगे अपन? देखो ये फॉर्मूला हमको पता था, इसका वैल्यू क्वेश्चन है 165 दिया हुआ है. Then we will just cross multiply. So यहाँ पे तो 180n minus 360 हो जाएगा और यहाँ पे 165n हो जाएगा. फिर n को एक साइड, 360 को दूसरे साइड. तो 180n minus 165n is equal to 360 हो जाएगा. यहाँ पे 180 minus 165 will give you 15. तो यहाँ पे हमारा 360 है अभी भी. And finally n will be equal to 360 by 15. 360 by 15 will give you 24. Okay, guys, question number 3 and 4 में से एक question आपको ओलंपियाड में definitely मिलता है. ठीक है, आर्या, I will not go for 180 by n, आर्या. My formula will be 180 into n minus 2 by n. Okay? So, कौन सा method use किया समीर, बताओ. And जिसको इसमें problem था, अनिश, जिनको भी क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम था, इज इट ओके नाउ? इज इट क्लियर? आ गया समझ में आप सबको? यस सर. लीनियर पेट से सॉल्व किया, बट समीर लीनियर पेट से कैसे सॉल्व किया प्लीज एक बार बताओ. अच्छा, you have taken interior angle as 165 to exterior nikala. Very good, very good. Chalo, main ye bhi method Sameer ne jis method se solve kiya hai usko bhi ek bar dekh lete hai guys. Very good Sameer. Dekho guys, kya hota, think about the scenario. Ha, think about the scenario. मानो कि उस क्वाड्रिलेटरल का दो साइड ऐसा होता, जस्ट एज्यूम, नॉट क्वाड्रिलेटरल, जो भी पॉलीगन था ना वो कुछ ऐसा था जिसमें उसका जो इंटीरियर एंगल है, जो इंटीरियर एंगल होता यहाँ पे, ठीक है, दिस इंटीरियर एंगल, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 165. अगर यहाँ पे आप उसका एक्सटीरियर बनाते, अगर वहां पे आप इसका एक्सटीरियर बनाते तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करते ना, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते, एक्सटेंड करने के बाद ये वाला वैल्यू कितना हो जाता, दिस वैल्यू वुड हैव बीन 180 माइनस 165, है कि नहीं, और ये हो जाता हमारा 15 डिग्री. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग वाज, दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज एन इंटीरियर एंगल. This according to the question is an interior angle and this will become an exterior angle, right? So जैसे उसका सारा interior angle 165 degree का है, तो वैसे ही उसका सारा exterior angle 15 degree का हो जाएगा. और फिर हम एक formula लगा लेंगे. Formula कौन सा वाला? वही 360 by n
is equal to 15 implies n is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करके 360 बाई 15 और ये आ गया 24। ठीक है, लॉजिक बता रहा हूं। हमारे पास इंटीरियर एंगल दिया था तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल दोनों हम हमेशा एक लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो इंटीरियर एंगल अगर 165 है तो एक्सटीरियर एंगल मेरा 180 माइनस 165 15 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही मुझे एक्सटीरियर एंगल मिल गया तब तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बन गया। और फिर मैंने ये फॉर्मूला लगाया अपना जहां पे 360 बाई एन इज इक्वल टू 15 किया और वहां से एन का वैल्यू निकाल लिया। राइट, तो बहुत बढ़िया मेथड है ये। मतलब ये अगर भी दिमाग में अच्छे से आया तो यू कैन सॉल्व दिस विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, सेम आंसर आया, देखो ऊपर भी 24 है नीचे भी 24 लिखा हुआ। राइट, तो बस क्या किया, देखो क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वाज कि क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास इंटीरियर एंगल दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास एक्सटीरियर एंगल दिया था। अब इंटीरियर एंगल अगर 165 है तो एक्सटीरियर मेरा 15 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही मेरा एक्सटीरियर मैंने 15 डिग्री निकाल लिया तो दिस गेट्स कन्वर्टेड टू क्वेश्चन नंबर 3। एंड जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया वहां पे एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 24 था, अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 15 हो जाएगा। ठीक है, सो डन। या अभी भी कोई डाउट है? डन। अक्षत, तो गाइस 3.2 एक्सरसाइज खत्म है। नाउ होमवर्क विल बी फॉर ईच वन ऑफ यू, आई एम गिविंग अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड द टास्क विल बी फॉर योर होमवर्क you will have to learn all the properties of quadrilaterals. Okay, all quadrilaterals, when I say all quadrilaterals na, it means you will have to learn the properties of trapezium, parallelogram, parallelogram के अंदर भी सब कुछ जो जो आता है सब कुछ, हाँ एक्सेट्रा, मतलब सारा quadrilateral में सबका property आपके दिमाग में जो property होता है ना सारे tips पे होना चाहिए। यस समीर बोलो। Sir, property of kite। हाँ kite हो गया, right? Kite is also a quadrilateral, but वो नहीं trapezium के category में आता है, नहीं parallelogram के category में आता है। ठीक है, in fact अगर एक छोटा सा हम वो बनाए, छोटा सा एक arrow diagram बनाए, तो quadrilateral को अगर divide करना चाहते हैं तो there are three kinds of quadrilateral जिसका आपको देखना है। एक तो हो गया trapezium, ठीक है, एक हो गया हमारा काइट और एक हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम आता है तो इसके अंदर कैटेगरीज आती है फिर जिसको आपको फर्दर रीड करना होता है, वो हो गया हमारा रॉम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इन सारे, यस कर्तव्य आपने हैंड रेस किया, कुछ पूछना है? अनिश, दैट विल कम अंडर ट्रेपेजियम ओनली, दैट विल कम अंडर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के अंदर गाइस आइसोसेलिस ट्रेपेजियम के बारे में भी आप लोग रीड कर लेना, आइसोसेलिस ट्रेपेजियम क्या होता है।
ठीक है. सो ये सारी प्रॉपर्टीज ना आपके टिप्स पे होना चाहिए. जैसे मैं अगर आपको पूछूंगा कि बताओ ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो आपको सारा बोलना होगा कि सर इट हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, राइट. ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज अ रेक्टेंगल, तो यू विल से दैट सर रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, इन विच द डायगोनल्स are equal, right? So likewise, you will have to remember all the properties, because jab tak properties dimag mein clear nahi hoga na, tab tak uske question solve karna will be very difficult. Theek hai, very difficult. So please apne dimag mein isko ekdam crystal clear kar lena, theek hai, crystal clear. Usi ke basis pe hamara exercise 3.3 and 3.4 hoga. Theek hai, to aap koshish karna कि सारा प्रॉपर्टीज याद करके, सारा प्रॉपर्टीज याद करके, दिस इज वन एंड द अदर इज ऑल्सो try exercise 3.3. also try exercise 3.3. okay, so this will be your homework, guys. This will be your homework. Yes, Samir, any question? चलो ठीक है. तो थैंक यू एवरीवन. होमवर्क क्लियर हो गया. एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने खत्म कर लिया है. दिमाग में क्लियर रखो, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं आपके बुक में, उन सारे क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. कल पूछूंगा, मान लो अगली क्लास में पूछूंगा कि बताओ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो फटाफट बोलना है अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इस तरीके से आपके दिमाग में रहना चाहिए. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में. ओके, बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय बाय.